लेसन टू, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले समीकरण। तो लेसन टू का 2.1 है, दिया गया क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे जो क्वेश्चन दिए उसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर वन है x माइनस टू। तो सबसे पहले हम x को हमारा इधर ही रहेगा, ये इक्वल 7, और ये माइनस है, जब ये इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है y प्लस 3 इक्वल 10, तो y इधर ही रहेगा इक्वल 10, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3, तो y इक्वल 7। आगे है नेक्स्ट 6 इक्वल जेड प्लस 2, तो हम चाहे तो इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इधर कर देते हैं। 6 ये प्लस है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस इक्वल जेड। अभी ये हो गया हमारा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, ये ज़्यादा है इसलिए तो प्लस में रखेंगे इसको, और हमारा इधर जेड। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, जेड इक्वल 4, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है 3/7 प्लस एक्स इक्वल 17/7, तो एक्स इक्वल 17/7, ये प्लस में है इधर, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 3/7। नीचे हर दो है, दोनों सेम हैं, तो हम इसको एक ही टाइम लिखेंगे, और इसमें 17 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 14/7, और 7 × 2 = 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट है 6x इक्वल 12, x इक्वल 12, ये 6 जो है मल्टीप्लाई में है, ऐसे है 6 × x, ऐसे दिया गया है ये, इसको हम इस तरह लिखे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, और हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 3/5 इक्वल 10, तो t वैसे ही रहेगा इक्वल 10, ये नीचे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t की वैल्यू हो जाएगी 50। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इक्वल 18, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2x इसको ऐसे ही रहने देंगे 18, और ये हमारा क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो हमारा मल्टीप्लाई गुणे में हो जाएगा, तो 2x बराबर, इधर हम इसको गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54, और इधर हम जो है इसको x इक्वल इसको रखेंगे 54, और नीचे ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग दे देंगे इससे 2 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, और इधर 27 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 इसमें आ गया 14 हो गया, 2 × 7 = 14, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट है, इसको हम दो मेथड्स भी लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको हम दशमलव हटा सकते हैं, तो हम दशमलव हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे, तो 1.6 ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 1.5 इक्वल y, इसका गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा करने पे आएगा 240, एक अंक इसका, दो अंक का दशमलव है, तो इधर हम दशमलव लगा देंगे, बराबर y,
इसको हम चेंज कर लेंगे, y बराबर हो जाएगा 2.2, इसको इधर कर लेंगे 4.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7x माइनस 9 बराबर 16, तो 7x इसको ऐसे रखेंगे इक्वल 16 और इसको माइनस कर देंगे, इधर हमारा कितना हो जाएगा 9, ये प्लस हो जाएगा इधर, तो हमारा हो जाएगा 9 प्लस में, क्योंकि माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 7x इधर है, इसको हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 25, 25/7, ये गुड़े में था इधर नीचे आ जाएगा, ये कट कर देंगे तो इधर हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, भाग देते हैं 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में, 7 3 21 3 आ जाएगा और कितना बचा 4 ऊपर, और इसको हम नीचे ऐसे लिख देंगे 7 3 21 4 25, ये हमारा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है 14y-8 = 13, तो 14y - कर देंगे इसको 13, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14y इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 21, तो y ऐसे रहेगा, ये गुड़े में ही नीचे आ जाएगा, ये नीचे यहाँ पे लिख देंगे 14, इसको भाग देंगे 7 3 21 7 7 2 14, तो y बराबर हो जाएगा 3/2, इसको हम और छोटा कर लेंगे तो 2 1 2 और इधर 1 2, चाहे इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें। नेक्स्ट है 17+6p = 9, तो 6p = 9, ये प्लस में 17 इधर आएगा तो माइनस में 17 हो जाएगा, और इसको हम 6p फिर ऐसे लिखेंगे, अब इसमें से माइनस 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा इतना 8, अब इसमें जो है माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस इधर लगाएंगे, अब p इसको ऐसे रखेंगे और इधर माइनस 8, ये गुड़े में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, p बराबर इसको कट करेंगे 2 4 8 2 3 6, तो इधर हमारा -4/3, चाहे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 1 3 - 1, और इधर हमारा 1 आ जाएगा और इधर बटे 3, 3 1 3 1 4, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तो x/3+1 = 7/5, पहले इसको इधर लिख आ जाएंगे तो x/3 = इसके नीचे 1 है लेकिन लिखा नहीं गया है, तो 7/5 इधर दिया गया है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा 1 और हमारे इसके नीचे 1 है, तो x/3 इसको वैसे ही रखते हैं, अभी बाद में सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको हल कर लेते हैं, तो 5 का और 1 का लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालने पर 5 आ जाएगा, और इसको हम इसमें भाग देंगे 5 1 5 7 1 7, और इधर माइनस 1 5 1 5 5, तो 5 1 5, तो x/3 = अब इसको हम माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा कितना 2/5, अभी ये हमारे भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x/2/5 × 3, भाग में था इधर आएगा गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा x/3 × 6, ऊपर गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है तो नीचे इसके हो जाएगा 5 1 5, इधर कर लेते हैं, सॉरी दिखा नहीं इसमें, फिर बता देता हूँ 3 2 6 5 1 5, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x = 1 × 1/5, 5 1 5 1 6, चाहे इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें। ये हमारा 2.1 ख़त्म हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारा सारा वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।